हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। आज हम सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना। मैथ्स केमिस्ट्री में अक्सर यूज़ होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। आज हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे हमने टाइप किया x2 + y2 + z2। अब ये जो 2 है, ये हमारा स्क्वायर होता है, ये हमारा ऊपर होता है। ऊपर होता है मतलब हमारा सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो हमने 2 को सिलेक्ट करना है और अपनी होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के सुपरस्क्रिप्ट की पर जाना है। कहाँ जाना है? होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में सुपरस्क्रिप्ट की पर। यहाँ जाते ही हमने इस पर क्लिक कर देना है और हम देख रहे हैं जो ये हमारा 2 था, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया है और ये ऊपर आ गया है। ऐसे ही हम इस वाई स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं। कहाँ गए हम? होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक के सुपरस्क्रिप्ट में गए और ये हमारा 2 ऊपर हो गया। ऐसे ही जेड में सब इसे भी हम सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे, ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट एक और बार एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारा एग्जांपल है 2x² + yz² ये कहीं से स्क्वायर नहीं लग रहा है। स्क्वायर हमेशा ऊपर होता है, मतलब कि स्क्वायर सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो अब हम इसे, जिसे हमें सुपरस्क्रिप्ट करना है, हम उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम ऊपर फॉन्ट ब्लॉक में जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट की यूज़ करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं और हम देखते हैं जो हमें सुपरस्क्रिप्ट चाहिए था वो हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया है। ऐसे ही हमने देखिए x² + y² + z² ये हमें लग रहा है स्क्वायर की तरह। और अगर हम ऐसे लिखते इसे सिंपल हम लिखना चाहते, हम लिखते x2 + y2 + z2। देखिए ये कहीं से हमें पता नहीं चल रहा है और ये हमें साफ दिख रहा है कि ये हमारा स्क्वायर है और ये हमें नहीं लग रहा है। तो हमने इनसे सिलेक्ट करके हमने इसे ऐसा बना दिया। तो शायद आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। तो थैंक यू क्लास, आज हमने सीखा सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना, कि हम सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मैथ्स और केमिस्ट्री की इक्वेशंस में। इसकी और प्रैक्टिस के लिए आप वीडियो देखने के बाद हमारे दिए टेस्ट को सॉल्व करें, उससे प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू क्लास।